जैसे कि आप देख सकते हैं हमने एक कैबिनेट में बना के कुछ इस तरह से रखा हुआ है। तो इस फाइनली कंप्लीट कर लिया है, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से लगाया, और यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो कि पेंसिल का निशान जो लगाया था उसी निशान के बराबर हमने स्क्रू भी लगाया, देख सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आपने देखा मैंने जो कि कैबिनेट का दरवाजा जो कि कितनी आसानी से जो कि हमने फिटिंग कर दिया है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद कर रहा हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों मैं आ गया हूँ फिर से अपने काम के साइड पे। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे मैंने ये जो कैबिनेट बनाया था ये तो ये हमारा 15 महीने पूरी तरह से जो कि कम्प्लीट हुआ नहीं, अभी बहुत सारा काम बाकी रह गया है। तो चलिए आज मैं यहाँ पे क्या काम करने वाला हूँ तो मैं आपको देख कैमरा करके जो कि दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने ये कैबिनेट जो बना के कुछ इस तरह से रखा हुआ है, तो इस पर हमने जो कि 2 ड्रायर भी जो कि लगा के रेडी करके रख दिया, देख सकते कुछ इस तरह से। और दोस्तों आप लोगों ने इसके मैंने इस ड्रायर को किस तरह से फिटिंग किया है इसका वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग जाके चेकआउट जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज मैं इसके जो कि दरवाज़ा लगाने वाला हूँ, तो दरवाज़ा पे जो कि हाइड्रोलिक हैंगर्स जो आता है वो लगाने वाला हूँ, तो आप लोग देखिएगा एक हाइड्रोलिक हैंगर्स जो कि वो किस तरह से लगाया जाता है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इसके दरवाजे पे हैंगर्स लगाने का काम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एक दरवाज़ा ले लिया हूँ, तो उस पर हम जो कि हैंगर्स लगाने के लिए फिर हम हल्का सा हैंगर्स का निशान लगा के उसको कटिंग करके इसमें हैंगर्स को बैठाने वाला हूँ। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो पे।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने हमारा दरवाज़ा जो कि फाइनली फिटिंग करके हो चुका है तैयार। तो हमने एक पीस एक दरवाज़ा को ही लगा दिया, तो कितने आसानी से जो कि मैंने फिटिंग कर दिया हूँ, तो ऐसे देख सकते हैं। तो इसका हैंगर्स का दोस्तों इस जगह पे जो कि आपको एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं, इसका उसके लिए यहाँ पे जगह भी दिया हुआ है। तो हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लें तो हमारा अच्छी तरह से बंद हो गया। लेकिन पहले हमने जो फर्स्ट में फिटिंग किया था उसके बाद बंद करता था, बंद नहीं हो रहा, खुद बखुद बंद नहीं हो रहा था, तो इसलिए हमने थोड़ा सा एडजस्ट किया। तो अभी देख सकते हैं ये खुद बहुत बंद हो रहा है, देख सकते हैं कितने आसानी से बंद हो गया। साइड में देख सकते हैं जो किनार पे गैप नहीं है बिल्कुल भी, हल्का सा गैप है दोस्तों, हल्का तो इस तरह से गैप रहेगा, लेकिन देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हो गया है हमने। और इसके साइड में देख सकते हैं कुछ इतना सा हमने गैप जो कि साइड पे छोड़ दिया हूँ, तो इस साइड में जितना गैप है उसके हिसाब से हमने इस साइड भी इस कोने पे भी जो कि छोड़ा हुआ है, देख सकते हैं उसी तरह से। तो हमने और नीचे भी देख सकते हैं, नीचे भी गैप है, हल्का सा गैप है नीचे भी। तो चलिए इसी तरह से इसको अभी हमने स्क्रू जो इसका पूरा लगाया हुआ नहीं है, हमने एक एक स्क्रू लगाया है, तो चलिए इसके सारे स्क्रू लगा कर कम्प्लीट कर लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं हमने फाइनली इस दरवाजा का फिटिंग करके हो चुका है कंप्लीट। तो अब चलिए इसके दूसरे साइड वाला दरवाजा जो है वो फिटिंग करते हैं, तो आप लोग भी देखिएगा किस तरह से मैं जो है दरवाजा फिटिंग करके करता हूँ कंप्लीट। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने दरवाजा का पल्ला पे जो कि हैंगर्स लगा के फाइनली कंप्लीट कर लिया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने कुछ इसी तरह से लगाया, और यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो कि पेंसिल का निशान जो लगाया था उसी निशान के बराबर हमने स्क्रू भी लगाया, देख सकते हैं आप देख सकते हैं बराबर में है, और हमने सभी उसी तरह से लगाया है, देख सकते हैं यहाँ पे भी देख सकते हैं हमने कुछ इस तरह से लगा के रेडी कर लिया। दोस्तों हमने ये जो कि एक इंची में हमने लगाया, यहाँ पे देख सकते हमने फीता पे ये देख सकते एक इंची थोड़ा सा आधा सूता बड़ा है एक इंची में, तो उसी तरह से हमने इस पर निशान लगा के हमने इसको होल्ड कर लिया। तो दोस्तों ये लगाते समय इसका आपको पूरा बराबर में लगाना है, इसको पूरा बराबर कर देना है, ऊंचा नहीं करना है। तो ये चीज़ तो ऊंचा है लेकिन इस तरह भी बराबर है। तो यहाँ पे हमने इस साइड पे करीबन हमने दो सूता के आसपास हमने गैप जो है कि वो छोड़ के रखा हुआ है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं हमने करीबन दो सूता से ज़्यादा नहीं है दोस्तों, हल्का सा कम ही है शायद, ज़्यादा नहीं है। तो उसी हिसाब में हमने हैंगर्स को लगा कर तैयार कर लिया है। तो दोस्तों हमारा दरवाजा पे हैंगर्स तो लगा लिया, चले तो आप इसको दरवाजा को हम यहाँ पे फिटिंग करके देखते हैं हमारा फिटिंग हो पाता कि नहीं सही तरह से। अगर फिटिंग नहीं हो पाता तो दोस्तों इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा शायद। तो चलिए फिटिंग करने का काम शुरू करते, तो आप लोग भी देखिए मेरा दरवाजा हैंगर्स फिटिंग हो पाता कि नहीं।
दोस्तों, जैसे कि आपने देखा मैंने जो कि कैबिनेट का ये दरवाज़ा जो कि कितनी आसानी से जो कि हमने फिटिंग कर दिया है, तो बहुत ही अच्छे से फिटिंग हो गया है दोस्तों। हमारा कैबिनेट का दौर जो है कि देख सकते हैं, मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा से जो कि फिटिंग हो गया है हमारा कैबिनेट का दौर। तो देख सकते हैं अपने आप बंद होते हुए जाते हैं, देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से फिटिंग करके हो चुका है तैयार। तो आप लोगों को कैसे लगा मेरा फिटिंग करने का तरीका जो कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरफ का भी देख सकते हैं, मेरा इस तरफ है कुछ इस तरह से है, देख सकते कुछ इस तरह से है। तो चलिए मैं आपको अच्छी तरह से दिखा दूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने फाइनली जो कि तीन दरवाज़ा को फिटिंग करके कंप्लीट कर लिया है। और अभी यहाँ पे हमने और एक दरवाज़ा फिटिंग करने का काम रह गया है, और साथ में ऊपर लाइन का ऊपर साइड का दरवाज़ा जो है वो भी फिटिंग करने का काम रह गया है। तो हमारा फाइनली दोस्तों लगभग हमारा फिर काम तो हो चुका है कम्प्लीट। तो अभी ज़्यादा काम नहीं है, अभी थोड़ा बहुत काम है, सिर्फ हमारा एक दरवाज़ा लगाना है, ऊपर का जो है कि छः दरवाज़ा लगाना है, नीचे वाला एक लगाना है, उसके बाद सनमाइका का लगाने के बाद हमारा काम हो जाएगा कम्प्लीट। तो फाइनल हमारा कैबिनेट लगभग हो चुका है तैयार। तो आप लोगों को कैसे लगा कैबिनेट का डिजाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, मैंने जो हैंगर्स लगाया था दरवाजे पे, वो लगाने का तरीका आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो बस यहीं तक था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए हैं तो प्लीज़ दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि दोस्तों मैं जब एक नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जो तुरंत आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, मिलेंगे फिर से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।